Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। एक्चुअली आई वोक अप टू दिस साउंड, मतलब मिक्सी की साउंड आ रहा था ज़ोर से। कल ही पापा ने बता दिया था कि वो कुछ जूस बनाने वाला है, वेजिटेबल जूस, सो ही इज़ मेकिंग दैट। तो ऐसे लग में उठी तो इसलिए हाँ हाँ जल्दी आ जल्दी आ, जूस रेडी है। तो आई जस्ट वोक अप एंड ही इज़ रेडी विथ हिज आई डोंट नो व्हाट जूस, देखते हैं व्हाट हैज़ ही मेड। बीटरूट जूस है शायद, मिक्स्ड वेजिटेबल जूस। Is ready. This beautiful lemon. He knows that मैं photo videos लेती हूँ तो lemon. तो he's put this lemon on top ताकि अच्छा दिखे, and मतलब how sweet that he thought about this, and नहीं तो ऐसी सब चीज़ें उनको करना पसंद नहीं है, he's just simple person, but how cute is this? Wow. Okay, let's taste this now. Mint, lemon, beetroot, tomato. No, khatta khatta flavor aa raha hai. तो इसको एक्चुअली खाली पेट ही पीना चाहिए, इट्स मिक्स्ड वेजिटेबल जूस। नाइस, मतलब स्किन के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो या मेरी स्किन तो इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब अच्छी नहीं है मेरी स्किन, तो दिस विल कीप मी हैव अ गुड स्किन। सो द साउंड इन द बैकग्राउंड, वाओ। एंड एक्चुअली दिस वॉज अ डी टॉक्स जूस, मैं मिक्स वेजिटेबल जूस बोल रही थी, मतलब मिक्स वेजिटेबल ही, इसमें करेला भी था। आई ऑनेस्टली डिड नॉट गेट द टेस्ट ऑफ करेला, बोलने के बाद पता चला कि इसमें करेला भी था। तो दिस वॉज अ डी टॉक्स जूस, रोज़ पीना चाहिए, बॉडी अच्छे से डी टॉक्स हो जाती है, एंड स्किन तो माइंड ब्लोइंग होने वाली है इफ़ आई कंटिन्यू टू ड्रिंक दिस डेली। एंड टेस्ट में मुझे करेला का तो बिल्कुल नहीं आया, आई थिंक आई कैन ड्रिंक दिस डेली, मतलब सिट्रसी टेस्ट आ रहा था, इट वॉज गुड। डिटॉक्स जूस पी के मैंने थोड़ी देर छोड़ के टेकन अ शावर, एंड अभी आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट जो कि है एंड बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें साइड डिशेज की तरह। इसमें ना ये डाला हुआ है, क्या कहते हैं, ब्रॉड बीन्स, सूती पापड़ी या बल्लर जिसे कहते हैं, वो डाल के उपिट बनाया गया है आज। जूस पीते ही नहीं खाना चाहिए था ब्रेकफास्ट, तो इसलिए थोड़ा टाइम छोड़ के एंड हैविंग। एंड लुक एट दिस, मतलब मजबूरी क्या क्या करवाती है, शी इज हैविंग अ किड इन वन हैंड। जिप डाल के देते हैं हम, इतना छोटा सा बैग एंड बच्चा लेके शेज, ओ माय गॉड। ओके, तो आज आई मेड, वाओ, जो कुछ भी है अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिस इज़ मेथी मटर मलाई
कितना वाइब्रेंट कलरफुल यमी लग रहा है ये. एंड दिस इज द बैकग्राउंड. एंड ये ऊपर रेड रेड जो है क्या है गेस करो, देखते हैं. दिस रेड दैट यू कैन सी, टेल मी व्हाट इट इज इफ यू नो. तो आई हैव 3 स्माइली वाली रोटी. इस रोटी में भी स्माइली है, देन इस रोटी में भी स्माइली, एंड इस रोटी में भी स्माइली. मम्मी ने दिखाया हाउ क्यूट 3 स्माइली वाले रोटी. एंड आई एम हैविंग इट विथ मेथी मटर मलाई जो कि अमेजिंग बनी है. एंड दिस इज क्या है ये, कोकोनट. हाँ, कोकोनट बर्फी जो मासी ने बनाया था, उन्होंने भिजवाया था, वो है ये. एंड ये है डुग्गी स्माइली रोटीज. स्माइली वाली रोटी खा रही हूँ मैं. तोड़ना पड़ रहा है स्माइली को क्योंकि ये खा के मेरे फेस में स्माइल लाना है इसीलिए. ये ना बहुत ही रिच रॉयल फ्लेवर्ड ग्रेवी है. आई एम हैविंग दिस सीताफल. लाइक आई थिंक बहुत दिनों के बाद, या आई थिंक 1-2 साल ही हो गए खा के. आई एम हैविंग सीताफल आफ्टर सो लॉन्ग. ये भी बहुत यमी लगती है, लेकिन एक एक खाने में ना यू नो इट्स थोड़ा इरिटेटिंग, बट जब वो टेस्ट आ जाता है सारा इरिटेशन भूल जाते हैं. सो या ओके, तो आई एम डन मेकिंग आज का शॉट्स एंड ये ना दिस कोट इट्स मेड इन कोरिया. मतलब वो देख के मुझे पता नहीं अंदर से इतनी खुशी हुई, वाओ जो मैंने कोट पहना हुआ ये कोरिया में यू नो मेड है, बिकॉज आई लव कोरिया एंड कोरियन पीपल. काफ़ी लंबा कोट है एंड सी इट सेज यहाँ पे नीचे मेड इन कोरिया. मेड इन कोरिया, वाह. नाम नानिंग नाइन मेड इन कोरिया, वाह. ये लाइक यू नो काफ़ी एक अच्छा कोट है. मतलब इसकी स्लीव की डिटेलिंग ही देखो, मतलब इट्स फ्लोई इवन इन द स्लीव, एंड काफ़ी यू नो मेरे नी से नीचे तक जाता है. इट्स सच अ प्रिटी कलर. सो या इफ यू इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट डेज आउट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑन माय शॉर्ट्स चैनल या इंस्टाग्राम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. सो या आज का शॉर्ट्स डन. आई एम इन लव विद द कलर ऑफ द कोट एंड आई एम सो हैप्पी. मैंने ये परचेज करते वक्त तो यू नो मैंने सोचा था कि बहुत लूज है एंड मुझे लूज कपड़े पसंद है, तो मैंने इसको ले लिया था विदाउट ट्राइंग, बट आई एम सो हैप्पी आई गॉट दिस. या इट्स मेड इन कोरिया. शिमोनो पता नहीं 2 दिन से कहाँ चली गई थी. अभी आ गए फाइनली. हाँ जी शिमोनो, आ. शी इज वैगिंग हर टेल, हाउ क्यूट. एंड एक्चुअली शी इज प्रेग्नेंट शिमोनो, इफ यू कैन सी. रोटी लेके भाग गई मम्मी, दाल की गई रोटी मम्मी. 2 दिन से मम्मी भी वेट कर रही थी, कहाँ है शिमोनो, रोटी डालना है उसको. आज फाइनली शी हैज कम बैक एंड आराम से रोटी खा रही है. टिक्की कोकोनट बर्फी क्यों नहीं खाती है ये, व्हाई. एंड बिस्किट्स भी रखा हुआ है, शी हैज ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस. ओके बिस्किट खा रही है. Cause you are mine.
जब रोटी खा रही थी डूबी उठ के नहीं आई बिस्किट को देख के बेचारी वो भी डर डर के खाए चल मैंने चल चल मैंने चल चल आई हैव करी एंड तूप की दाल की खिचड़ी फॉर माई डिनर टुडे यमी यमी एंड आई थिंक 6:30 कुछ और है एंड मेरा सारे एडिटिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है सिर्फ ब्लॉग एडिट करना है शॉर्ट्स दोनों शॉर्ट्स एडिट हो गए हैं सो या अभी बस खाना खा के रील्स ये सॉरी ब्लॉग एडिट करके आई हैव मी टाइम सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉय माय टुडेस वीडियो हैविंग सेड दैट दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग